इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लूंगा और वहां पे किसी भी कलर का एक बैकग्राउंड इस तरह से ऐड कर लूंगा। उसके बाद मैं यहां पे अपना वीडियो इंपोर्ट कर लूंगा, वीडियो को रिसाइज कर लूंगा। अभी मैं इस वीडियो को कुछ सेकंड्स तक प्ले होने दूंगा एंड उसके बाद की फ्रेम ऐड करके इस तरह से एनिमेट करूंगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वीडियो को लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइड किया है। आप किसी भी डायरेक्शन में वीडियो को स्लाइड कर सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी या फिर नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं प्लेहेड को फर्स्ट की फ्रेम में लेके जाऊंगा और वहां पे मैं अपना दूसरा वीडियो इस तरह से ऐड कर लूंगा एंड फर्स्ट वीडियो का जो की फ्रेम है उसका रेफरेंस लेके मैं सेकेंड वीडियो को भी एनिमेट कर लूंगा ताकि ऐसा दिखे कि सेकेंड वीडियो फर्स्ट वीडियो को पुश कर रहा है। और इस तरह का एक डायनेमिक इफेक्ट क्रिएट हो, ये देखिए काफी अच्छा दिख रहा है। अभी मैं सेकेंड वीडियो को कुछ सेकंड्स तक इस तरह से प्ले होने दूंगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे थर्ड वीडियो को इस तरह से इंपोर्ट कर लूंगा और थर्ड वीडियो को मैं इस तरह से रिसाइज करके स्क्रीन पे जहां पे इसको प्लेस करना है इस तरह से सही से प्लेस कर लूंगा। और उसके बाद थर्ड वीडियो का जो पोजीशन है उसको मैं इस तरह से एनिमेट करूंगा। अभी मैं थर्ड वीडियो का जो की फ्रेम है उसका रेफरेंस लेके सेकंड वीडियो को इस तरह से एनिमेट कर लूंगा और करके उसको स्क्रीन में इस तरह से फिट कर दूंगा ताकि थर्ड वीडियो जैसे ही स्क्रीन पे एंट्री हो सेकंड वीडियो ऑटोमेटिक छोटा हो जाए और इस तरह से स्क्रीन पे फिट हो जाए। और बिल्कुल इसी प्रोसेस को मैं फोर्थ वीडियो के लिए रिपीट करूंगा। और फोर्थ वीडियो ऐड करके मैं इसी तरह से फर्स्ट वीडियो एंड फोर्थ वीडियो को फिर से एनिमेट कर लूंगा ताकि ये चारों वीडियो स्क्रीन पे इस तरह से फिट हो जाए और काफी एक डायनेमिक स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट क्रिएट हो जाए। इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसका की फ्रेम का रेफरेंस लेके आपको एनिमेट करना होगा, अदरवाइज ये इफेक्ट आप अचीव नहीं कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। बाय बाय।